हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी हाइड्रा से रिलेटेड टॉप 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से बनाता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस में निकोसाइटिस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ये है पोरीफेरा, बी है स्कैरिस, सी है एनेलिडा एंड डी है सीलेंट्रेटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीलेंट्रेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा के संवेदी कोशिकाओं की गांठयुक्त शाखाएं किन कोशिकाओं की शाखाओं से युग्म बनाती हैं? ऑप्शन नंबर ए उपकलापेशी, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी जनन एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रंथिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी कोशिकाओं हाइड्रा में दंश कोशिकाएँ बनती हैं? तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ये है अंतराली, बी तंत्रिका, सी संवेदी एंड डी उपकलापेशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये अंतराली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, जंतु विशिष्ट श्वसनांग नहीं होते, जंतु विशिष्ट श्वसनांग नहीं होते, जंतु जो जिसमें जिनमें यहाँ पर रहना चाहिए था, जिनमें विशिष्ट श्वसनांग नहीं होते, मेढक हो गया, होयल हो गया, काकरोच हो गया, हाइड्रा हो गया। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की कौन रचनाएं कार में अबीबा के पादपों के समरूप होती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पर्शक, ऑप्शन नंबर बी मुख, ऑप्शन नंबर सी निमेटोसिस्टस, ऑप्शन नंबर डी हाइपोस्टोम। तो इसका राइट आंसर है स्पर्शक, ऑप्शन नंबर ये। और दोस्तों ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।